छोटी बच्ची हो या लड़की, डॉल चाहिए तो सिर्फ बार्बी। लेकिन जब मैं उस उम्र में थी तो मेरी माँ ने मुझे कभी बार्बी नहीं दिलाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं एक ऐसे अनरियल फिगर वाली डॉल को रोज देखूँ और रोज उससे खेलूँ, क्योंकि एक्चुअली में हम ऐसे हैं ही नहीं। इसलिए वो मेरे लिए एक तंदुरुस्त सी डॉल लाई थी, जैसी कि आम लड़कियाँ होती हैं। लेकिन अब तो वो और डॉल्स गायब ही हो गई हैं। अब दिखती हैं दुकानों में इतनी सारी बार्बीज, इंडियन ड्रेस में, वेस्टर्न ड्रेस में, 300 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक। लेकिन जब बच्चियाँ रोज ऐसा अनरियल फिगर पतला पतला देख के बड़ी होती हैं और बड़े होकर एक्चुअली ऐसी नहीं होती हैं, तो फिर हाय दीक्षा। हेलो। क्या आपके पास बार्बी थी? हाँ, मेरे पास बार्बी थी एंड मेरे को हमेशा चाहिए थी वो। हम जब बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि क्या उसके डेरिवेटिव्स हैं और कैसे सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म नहीं है, बट आई ऑलवेज वांटेड अ बार्बी समहाउ, क्योंकि वो शायद मैं एक कन्फॉर्मिस्ट हूँ, बट शायद यू नो मे बी बिकॉज माई कजन्स हैड इट और कुछ भी, बट मुझे तो चाहिए थी बार्बी क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी। इट वॉज प्रिटी एंड या मे बी बिकॉज शी वॉज थिन एंड हॉट, बट मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी बार्बी। लाइक आई वुड लव डेकिंग हर अप एंड हाँ, मुझे कुछ टाइम बाद मिली थी, बट जब मिली थी तो मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। वो सोशल प्रेशर तब बनता है जब आप एक स्कूल के इकोसिस्टम में आ जाते हैं, जब आप यू नो व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, व्हेन यू मीट फ्रेंड्स एंड वो उस समय ये प्रेशर सॉर्ट ऑफ बनना शुरू होता है। एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज़ अ एक्सेप्टेड थिंग, यू नो यूनिवर्सली मोस्ट पीपल आर थिन और मोस्ट पीपल आर एवरेज बिल्ट, सो एनीबडी हु स्टिक्स आउट, एनीबडी जो जैसे जो कन्फॉर्म नहीं कर रहा है किसी भी उस साइज में उस नॉर उस मोल्ड में रादर, वो हमेशा अलग देखा जाता है। तो आपको अलग क्या मतलब, किसी एक्टिवली आपको लगता है अलग ट्रीट भी किया जाता था या लोग पास करते थे उनको पता भी नहीं चलता था कि वो एक्चुअली अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? अगर मैं रेट्रोस्पेक्ट में सोचूं तो आई डोंट थिंक उन्होंने जानबूझ के मुझे फॉर एवर स्कार करने के लिए ऐसे किया होगा, बट एक तरह से होता ही है कि तुम्हें बिकॉज यू डोंट सॉर्ट ऑफ फिट इन टू द नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग्स, आप थोड़े अलग हो जाते हैं। तो बिकॉज आप ऑलरेडी फिजिकली भी अलग दिख रहे हैं एक नॉर्मल क्लास से, तो आपके ऊपर नज़र आ जाती है। ये नॉर्म्स हम अपने दिमाग में खुद रख लेते हैं कि एक तरह का अगर एक लड़की पतली है तो ही उसको अच्छे मैचेस मिलेंगे, यू नो वो बात अलग है कि मैंने अपना मैच खुद चूज़ किया एंड ही इज़ बिन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग हु आई एम टुडे एज़ वेल। एक और चीज़, जैसे शादी के टाइम जब वेट लूज कराने की बात, शादी के टाइम ड्रेसिंग अप, यू नो कपड़े, वो कभी एक इशू रहा या एक परेशानी का सबब बना लाइफ में? कपड़े तो बहुत मेजर है ही, मतलब दिस इज़ लाइक अ गिवन थिंग, क्योंकि मिलते ही नहीं है यार। मतलब मे बी अ प्रोटोटाइप इंडियन, योर गुड इंडियन गर्ल इज़ ऑफ अ सर्टन साइज, वो है साइज 8 है, मैं नहीं हूँ। आपका शीशा आपका दोस्त है? आई थिंक है, बिकॉज मेरे को तो मुझे तो बदले पसंद है, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, मुझे लगता है मैं फिश बोल में रह रहा हूँ, बिकॉज इन माई हाउस आई हैव लॉट्स ऑफ मिरर्स। एंड दीक्षा अकेली नहीं है जिनके लिए शीशा उनका दोस्त है। हम किसी और से भी आपको मिलवाते हैं जिन्होंने शीशे को अपना बहुत ही पक्का दोस्त बना लिया है। तो शीशा जिनका बहुत प्यारा दोस्त है वो है हमारी आज की स्टार मेहमान भारती सिंह। भारती, बीबीसी हिंदी में आपका स्वागत है। ये बताइए, शीशे से दोस्ती करने में कुछ दिक्कत आई क्या? आई नो जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज से कुछ 7 साल पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, तो पतली पतली लड़कियाँ होती थी, छोटे छोटे क्रॉप टॉप पहनती थी, जीन्स पहनती थी, स्कर्ट्स पहनती थी, और मैं देखती थी हाय मुझे कुछ आता ही नहीं, क्योंकि साइज़ भी बड़े नहीं आते थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी और मैं बहुत मतलब इरीटेट होती थी कि ये क्या है। बट आज इतना ज़्यादा सब हो गया है कि उस चीज़ को इंजॉय करने लगी हूँ मैं। शुरू से ही मैं ऐसी नहीं थी, मैं शुरू से मैं 48 kg की लड़की नहीं थी, मैं शुरू से ही मतलब शुरू से ही मोटा बच्चा रही हूँ, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी 9 बच्चे पैदा हुए थे, तो ना सबसे मोटा बच्चा मैं ही थी, तो तब मेरी मम्मी को प्राइज़ मिला था कि वाओ बड़ा हेल्दी बच्चा पैदा किया है। फिर जब मैं स्कूल में गई तो वहाँ पे वेट, सबका वेट चेक हुआ, मतलब फिटनेस देखी बच्चे की, फिर मैं सबसे मोटा बच्चा थी, फिर मुझे प्राइज़ मिले, फिर लाफ्टर चैलेंज में आई, उसमें भी बातें कर करके अपने ऊपर फिर मैं आगे बढ़ी, फिर अभी कॉमेडी सर्कस में, तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं होता और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। अच्छा, मजाक बनाने को तो आपने अपना करियर बना लिया,
लेकिन जब और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि जब वो मुझे कहते हैं हाथी के बच्चे, अभी मैं एक नया शो कर रही हूँ, आपने देखा ही होगा, कॉमेडी नाइट्स लाइव, उसमें मैं छोटा बच्चा बनी हूँ, छोटा मोटा बच्चा। तो कृष्णा मुझे अक्सर बोलते रहते हैं ए गेंडे के बच्चे, ए बीन बैग, ए सोफे, तो बोलते रहते हैं और लोग हंसते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर हूँ सेहतमंद तो हैं, बोलते हैं तो क्या हो गया, बोलते हैं हम भी तो टकले को टकला कह ही देते हैं। कभी पतला होने का मन करता है? मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने अपनी शादी में पतले होना है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना है, और मैंने सोचा हुआ है, पर मैंने फिर सोचा भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, बोलती हूँ आज डाइटिंग, फिर मेरी बहन कहती नाश्ता करेगी, तो मैं कहती हाँ, तो फिर 15 मिनट बाद मेरी डाइटिंग टूट जाती है, तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जिस लड़के से शादी करूँगी शायद उसका प्यार मुझे 6 महीने पतला होने में मजबूर कर दे। अच्छा, फेमस होने के बाद क्या अमृतसर वाले आपको अलग नज़र से देखते हैं? जब अमृतसर लैंड करती हूँ तो कुछ ऐसा हाल होता है कि जैसे मैं अमृतसर की तरफ से मिस यूनिवर्स के लिए गई थी और जीत के आई हूँ, तो थोड़ा ऐसा फील आता है कि अरे जीत कर आइए, अरे भारती जी आप ऐसा आइए, ये आइए, मतलब नज़रिया ही बदल गया है। और मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि बुरा लगता है उन लड़कियों के बारे में जो खुद सोचती हैं कि अरे मैं मोटी हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं ये करनी, मैं वो नहीं कर सकती, ये बन सकती हूँ एयर होस्टेस, वो लड़कियाँ बन सकती पतली हॉट है, ये वो, बहुत गलत बात है। आप अपने आप को डीमोरलाइज मत कीजिए। मैं वही लड़कियों को कहती हूँ आप किचन के लिए नहीं बनी, कॉलर से आओ किचन ये वो सब वो उसके लिए नहीं बनी, आप आगे निकलिए, आप मोटी हैं अच्छी नहीं दिखती तो क्या हुआ, हिम्मत तो कीजिए, क्या पता आप में से एक और भारती सिंह निकल आए। थैंक्स अ लॉट भारती। तो इन दोनों दिलचस्प औरतों की तो आपने सुन ली, पर हम और आप जाने अनजाने क्या प्लस साइज के लोगों के साथ, खासकर औरतों के साथ भेदभाव करते हैं? सोचिए और बताइए हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर, और सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी हिंदी का यूट्यूब चैनल। और चलते चलते एक नज़र पिछले एपिसोड के सबसे इंटरेस्टिंग कॉमेंट्स पर। अमिताभ बच्चन ने कहा था मर्द को दर्द नहीं होता, और रणवीर सिंह ने कहा मेरी मर्दानगी के बारे में पूरे गांव की किसी भी लड़की से पूछ लीजिए, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। यूरोपीय संघ या ईयू इसे लेकर कंफ्यूज्ड हैं